welcome all of you to the class in today's session we are going to learn about how to greet people and how to introduce ourselves to others in earlier session we have discussed about the basics of pronunciation how can we speak correctly uh, the simple words which we are using in our day to day conversation so let's start with today's topic greeting and introduction अब ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ग्रीट का क्या मतलब होता है जब भी हम किसी से मिलते हैं चाहे हम कभी भी मिले तो मिलते हैं तो हम उन्हें बातचीत करने से पहले कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि हम उनको बोलते हैं जैसे अगर हम बात करें तो आप हेलो बोलोगे हाय बोलोगे नमस्ते बोलोगे गुड मॉर्निंग बोलोगे तो दीज आर द वर्ड्स विच इज कंसिडर्ड एट ग्रीटिंग इन्हें हम क्या बोलते हैं ग्रीटिंग बोलते हैं ठीक है अब ग्रीटिंग greeting... जो वर्ड्स होते हैं वो यही होते हैं अब बेसिकली जो इंट्रोडक्शन होता है इंट्रोडक्शन क्या होता है इंट्रोडक्शन होता है वेन एवर यू आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू अदर ठीक है उसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन लाइक योर नेम व्हाट योर व्हाट आर योर हॉबीज एंड व्हाट आर योर डिसलाइक्स एंड लाइक्स एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट तो ये सारा का सारा जो इन्फॉमेशन जो आप अपना इन्फॉर्मेशन किसी दूसरों को देते हो उसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं अब यहाँ पर पहले जो टॉपिक दिया हुआ है वो ग्रीटिंग्स के बारे में दिया हुआ है ग्रीटिंग्स आपको समझ में आया होगा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो अब हम किसी से मिलते हैं जब हम उनको वर्ड्स बोलते हैं तो दोज वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज ग्रीटिंग जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून और Hi, Hello. अब जो होते हैं, वो दो कैटेगरी होती है ग्रीटिंग के टाइप जो होते हैं दो टाइप के ग्रीटिंग होते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग एंड इन फॉर्मल ग्रीटिंग्स फॉर्मल ग्रीटिंग का क्या मतलब होता है जब भी आप अपने से किसी बड़े से मिलते हो या आप अपने ऑफिस में होते हो अपने स्कूल में होते हो या अपने वर्क प्लेस पे होते हो तो वहां पर जो भी ग्रीटिंग्स आप यूज़ करोगे वो सारे के सारे ग्रीटिंग्स आपके फॉर्मल होंगे जैसे आप अपने स्कूल अगर जाते हो तो स्कूल में आपको टीचर्स मिलती हैं तो यू नॉट से हाई टू योर टीचर यू नीड टू से गुड मॉर्निंग मैम ठीक है तो उसी तरीके से अगर आप कोई एम्प्लॉयी है अपने ऑफिस जाएगा तो वो गुड मॉर्निंग सर बोलेगा ठीक है या हेलो सर बोलेगा हाई नहीं बोलेगा व्हाट्सअप नहीं बोलेगा ठीक तो इस तरह के जो ग्रीटिंग्स होते हैं जो कि आपके फॉर्मल एटमोसफियर में यूज होते हैं वो आपके फॉर्मल ग्रीटिंग कहलाते हैं जो कि मोस्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑफिस में स्कूल में या कॉलेज में हम यूज करते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या होते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग ऐसे ग्रीटिंग होते हैं जो कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यूज करते हो उन्हें हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग बोलते हैं ठीक है अब पहले यहाँ पर फॉर्मल ग्रीटिंग के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे ग्रीटिंग है गुड मॉर्निंग एवरी तो किसी ने अगर विश किया गुड मॉर्निंग एवरी तो रिप्लाई क्या है गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग एवरी वन तो इस तरीके से जो है फॉर्मल एटमोसफेयर में जो यूज होते हैं फॉर्मल सिनेरियो में जो यूज़ होते हैं वो इस तरह के ग्रीटिंग होते हैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हेलो सर हाउ आर यू इस तरीके से ठीक है अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग की इनफॉर्मल ग्रीटिंग कौन से होते हैं ऐसे ग्रीटिंग होते हैं जो कि नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया था कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो हम बातचीत में ग्रीटिंग्स यूज करते हैं दे आर नोन एज इनफॉर्मल ग्रीटिंग जैसे आप जब आप जब अपने दोस्त से मिलते हो तो आप उसको क्या बोलते हो हाई बोलते हो ठीक है आप उसको गुड मॉर्निंग विश नहीं करते ओके okay. तो हाई हाई ये सब क्या है आपके इनफॉर्मल ग्रीटिंग के एग्जाम्पल्स है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए भी हैं है hi, hi, hello, hi, hi, how are you? हाउ यू डूइंग आई एम डूइंग ग्रेट तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन फॉर्मल ग्रीटिंग जो कि आपके फैमिली जो कि आपके फैमिली और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपके ग्रीटिंग्स जो हैं चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ग्रीटिंग्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम भी होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब अर्ली uh, मॉर्निंग से लेकर आपके इलेवन फिफ्टी नाइन या बारह बजे तक दोपहर के अगर मैं बात करूँ तो हमारा क्या होता है मॉर्निंग टाइम होता है ठीक है रात के बारह बजे से लेकर और सॉरी uh, रात के नहीं मतलब uh, आफ्टरनून के 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक जो है वो आपका आफ्टरनून का टाइम होता है और 5 बजे से रात के 12 बजे तक मतलब मिडनाइट तक आपकी इवनिंग चलती है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्रीटिंग्स हम यूज़ करते हैं वो होंगे आपके ग्रीटिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह नौ बजे किसी से मिल रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे गुड मॉर्निंग बोलोगे ठीक है अगर आप एक बजे किसी को मिल रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे गुड आफ्टरनून बोलोगे और अगर आप इवनिंग में छः बजे सात बजे से किसी से मिल रहे हो तो आप क्या बोलेंगे उसको गुड इवनिंग बोलेंगे ठीक है तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीटिंग्स विच हाउ वी कैन यूज द ग्रीटिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम आई होप कि आपको ग्रीटिंग समझ में आए होंगे उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर कि अपने आप को आप कैसे इंट्रोड्यूस कराते हो जब भी हमें इंट्रोड्यूस कराना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं Uh, अपना नाम बताते हैं अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे आप कहाँ के रहने वाले हो आप क्या जॉब करते हो स्टूडेंट हो या आप कहीं पर जॉब करते हो और आपका ऑक्यूपेशन क्या है आपके हॉबीज क्या हैं, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं। तो इस तरीके से अपने बारे में कुछ एक ब्रीफिंग देना इंट्रोडक्शन कहलाता है अब यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है एक का आई एम अमन आई एम राहुल फ्रॉम आगरा माई नेम इज टीना आई एम इन क्लास एट्थ हाई आई एम अनू आई लाइक क्रिकेट तो दीज आर दिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ पीपल आर इंट्रोड्यूसिंग इस तरीके का इंट्रोडक्शन बेसिकली होता ही रहता है क्लास में जब भी आप नई क्लास में जाते हो जो आपकी क्लास टीचर्स होती हैं हर बच्चे का इंट्रोडक्शन लेती हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या किस लिए लिया जाता है ताकि जो बच्चे हैं या जो ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे को जान पहचान ले आपको किसी के बारे में पता चले कोई आपके बारे में जाने ताकि जो भी कम्युनिकेशन उनके बीच में होने वाला है वो स्मूथ वे में चलता रहे तो बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगले सेशन में टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ अगेन अपने बारे में बात करना अब अपने बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमें क्या बेसिकली हम अपने बारे में कब बात करते हैं जब हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होता है दूसरे लोगों से ठीक है अब जैसे नॉर्मली हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं हम अपना नाम बताते हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो ये बताते हो आपको क्या चीजें पसंद नहीं है आप ये बताते हो और आपको क्या चीजें पसंद है ये बताते हैं तो बेसिकली हिंदी में बात करना या इंग्लिश में बात करना आप अपने बारे में तभी अच्छे से बता सकते हो जब आपको सेंटेंसेस की या जो अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो उसमें व्याकरण की और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो उसके अंदर आपको प्रॉपर ग्रामर की अगर नॉलेज हो तो देन ओनली यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ टू अदर प्रॉपरली अब इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर यूजुअली जो हम अपने बारे में बताते हैं अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है टॉकिंग अबाउट सेल्फ की अपने बारे में हम कैसे बात करते हैं माई नेम इज अमित आई स्टडी इन क्लास नाइन्थ आई डोंट लाइक मैथ्स आई लाइक हिस्ट्री अब इसमें चार अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट सेंटेंस में नाम बताया है दूसरे में क्लास बताई है थर्ड में अपने डिसलाइक्स के बारे में बात करी है और फोर्थ सेंटेंस के अंदर बात की है कि उनको क्या पसंद है तो बेसिकली जो आपके इंट्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर आपको ग्रामर का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए वो तभी हो सकता है जब आपको बेसिक ग्रामर आती हो जैसे नाउन आपको पता होनी चाहिए कि नाउन आपको कब और कैसे यूज करनी है वर्ब्स का यूज कैसे करना है ये सब आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है नीचे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे आपको अपना नेम बताना चाहिए व्हाट दे डू आप क्या काम करते हैं आपको ये बताना चाहिए आपकी एज क्या है आपका होम टाउन क्या है लाइक्स क्या है आपके डिसलाइक्स क्या हैं स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है स्ट्रेंथ मतलब आपकी जो है हम कहते हैं कि आपकी ताकत आपकी पॉजिटिविटी क्या है और वीकनेसेस मतलब कि, क्या चीजें हैं जो आपको इतना अच्छा नहीं लगता है जो आपकी वीकनेसेस हैं, मतलब आपके वीक क्या क्या है अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है एक लड़के के बारे में दिया हुआ है अब सबसे पहले हमें क्या बताना है नाम बताना है आई एम हरीश सेठी उसके बाद वो बच्चा क्या करता है आई एम इन हाई स्कूल मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ एज क्या है आई एम फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड होम टाउन मुझसे बताया आई स्टे इन आगरा लाइक्स क्या है आई लाइक प्लेइंग चेस मुझे चेस खेलना अच्छा लगता है डिसलाइक्स क्या है आई लाइक आई डिसलाइक समर्स की मुझे गर्मियां अच्छी नहीं लगती हैं। स्ट्रेंथ यानी कि उसकी जो ताकतें हैं वो क्या है आई कैन राइट स्टोरी वेली वेरी वेल कि जो मैं लिखने का काम है स्टोरी राइटिंग का काम है जो वो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और वीकनेस आई लीव टास्क इनकम्प्लीट अब वीकनेस क्या है कि अक्सर जो है वो काम जो है वो अधूरे छोड़ देता है तो दीज दिस इज द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट हरीश जो कि ये बच्चा है इसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं अनु का एग्जाम्पल है उसके बाद एक और एग्जाम्पल है एक और एग्जाम्पल है ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक तो इसके बाद आपने क्या करना है इस सेशन को देखने के बाद आपने खुद से अपना इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करनी है उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये सारी चीज़ों को जरूर से फॉलो करना है आपने अपना नाम लिखना है आप क्या करते हैं आपकी एज क्या है आपका होम टाउन क्या है लाइक्स क्या है आपके डिसलाइक्स क्या हैं आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है इस तरीके से आप उन अपने इंट्रोडक्शन को लिखिएगा जरूर इससे आपको प्रैक्टिस होगी उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिलिंग अ फॉर्म फॉर्म फिल करना अभी बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है अगर हम वर्बली बोलते हैं तो वो तो हमारा इंट्रोडक्शन कहलाती है कि मैंने मुँह से बोल के अपने बारे में बता दिया एट टाइम्स आपसे हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछी ही जाए या आपसे बोली ही जाए आपको कई बार वो सब चीज़ें जो हैं वो फॉर्म पे फिल भी करनी पड़ जाती हैं अब फॉर्म पे हम फिल कैसे करते हैं नॉर्मली जब आप किसी चीज के लिए फॉर्म भरते हो आपने मान लो कि आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको आ, कुछ और फॉर एग्जाम्पल आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा तो वहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं आपको अपनी जो फिल करनी पड़ती हैं जैसे नेम हो गया डेट ऑफ बर्थ हो गया एड्रेस पिन कोड सिग्नेचर इस तरीके से जो बेसिक डिटेल्स हैं आपको वहां पर फिल करनी होती हैं अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है

फिल करेगा जैसे फर्स्ट नेम में क्या आएगा उसका हरीश लास्ट नेम में क्या आएगा सेठी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा उसका उसके बाद एड्रेस आएगा और पिन कोड आएगा तो इस तरीके से जो है फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स हैं वो फिल किए जाते हैं तो आज के सेशन में हमने कवर किया है कि आ, अपना जो आप इंट्रोडक्शन uh, है वो कैसे देते हैं और जो ग्रीटिंग्स है वो आप कैसे यूज़ करते हो तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे uh, अगले सेशन की जो कि है आपका आस्किंग क्वेश्चन की आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो उसी के बारे में अगला सेशन तो तब तक के लिए uh, आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोज के लिए और इसी के साथ साथ आई हैव अकिंग चैनल ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग सम क्विक एंड ईजी रेसिपीज यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन आई बटन एज वेल एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो थैंक यू सो मच